एक झगड़ा हुआ, 100 नंबर की सूचना हमको मिली तो तत्काल मौके पे पुलिस आई है। तो जैसे पुलिस आई, उसी समय जो कन्फ्रंटेशन हो रहा था उसमें एक पक्ष ने गोली चला दी। जिसने गोली चलाई, अभी तक जो सूचना मिल रही है उसमें, उनका नाम संतोष पाठक है। ये जो मौजूदा सपा के MLC हैं कमलेश पाठक, उनके भाई हैं, वो भी यहाँ मौजूद थे। तो जितना अभी तक पता चल रहा है कि जो MLC हैं वो और उनके दोनों भाई और कुछ लोगों के साथ इधर मौजूद थे। उनका ये जो मृतक परिवार है उनके साथ किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ और झगड़ा में इनके भाई ने गोली चला दी, उसमें दो लोग की डेथ हो गई। एक की ऑन द स्पॉट हो गई है और एक को हॉस्पिटल ले जाते हुए कोलैप्स कर गए हैं। मैम, क्या अभी तक कोई गिरफ्तार हुआ है? देखिए, इसमें 6 लोग हमारे पास डिटेन हैं, जिसमें मौजूदा MLC भी हैं और उनके दोनों भाई हमारे पास डिटेन है रही था। बॉडी नहीं मिली, कहाँ है? उस बात को हम थोड़ा और परिवारजनों से बात कर लें, उसके बाद मैं क्लियर करके आपको बताऊँगी।